हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ एक नॉर्मल साड़ी से प्लाजो लुक को कैसे क्रिएट करते हैं वही शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आपने मेरी हर एक वीडियो में देखा होगा, मैं कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश करती हूँ। और जो भी मैं साड़ी लुक क्रिएट करती हूँ उसमें ये हमेशा ये बताने की कोशिश करती हूँ वो आप उसको कहाँ कहाँ कैरी कर सकते हैं, किन किन साड़ियों पे आप उनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि ये लुक कंफर्टेबल है या नहीं, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, क्या हम इस साड़ी को ट्राई कर सकते हैं, क्या इसको हम बाहर कैरी कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया था, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking. ये मेरी साड़ी का ओरिजिनल लुक है। इस तरीके से मैं दो या तीन बार इस साड़ी को कैरी कर चुकी हूँ। आज इसी साड़ी के साथ हम प्लाजो लुक को क्रिएट करने वाले हैं। इस प्लाजो लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक किसी भी सॉफ्ट साड़ी को चूज़ करना होगा, सिल्की साड़ी को। इसके लिए आप बिल्कुल कड़क फैब्रिक या थिक फैब्रिक की या मोटे फैब्रिक की कोई भी साड़ी को सिलेक्ट ना करें। सबसे पहले हमें साड़ी के दो पार्ट्स को लेकर एक नॉट बनाना होगा। बेली बटन के बीचों बीच हम लोग एक गांठ लगा लेंगे और ये नॉट जो आप बनाएंगे इसको बिल्कुल टाइट बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने साड़ी को टू पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। जितना फैब्रिक मैं ले रही हूँ लेफ़्ट साइड में उतना ही फैब्रिक लेना है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड वाला फैब्रिक छोटा रहेगा और जो हमारा पल्लू वाला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा रहेगा। अगर आप इनको इक्वली डिवाइड करेंगे तो आपका जो पल्लू है वो काफ़ी छोटा आएगा, इसलिए मैंने पल्लू वाले पार्ट को बड़ा रखा है। उसके बाद लास्ट के कॉर्नर वाले पार्ट को हम थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर थोड़ा उसको टक कर लेंगे। जो हमारा नीचे कॉर्नर वाला पार्ट है उसको हम ऊपर लेंगे थोड़ा सा और उसको अंदर टक कर लेंगे। अच्छे से टक करने के बाद उसके बाद जो हम इस प्लाजो लुक को क्रिएट करने के लिए बिल्कुल ये जो हमारा लेफ्ट लेग है बिल्कुल प्लाजो की तरह बन जाएगा। यहाँ पर हम इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद नीचे भी आप एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, बट मैंने नीचे इसमें सेफ्टी पिन नहीं लगाया है क्योंकि मेरी साड़ी काफ़ी सिल्की है तो उसमें प्लाजो लुक अपने आप ही आ गया है। यहाँ पर जो मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ इस सेफ्टी पिन को आप अंदर से लगाइएगा। सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद उसके बाद हम सबसे पहले अपने पल्लू वाले पार्ट को रेडी कर लेंगे। अपने राइट लेग के नीचे से लेने के बाद अब हम सबसे पहले पल्लू को रेडी करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, पल्लू का मेज़र करने के बाद उसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक से अपना राइट लेग का प्लाजो भी रेडी कर लेंगे। पल्लू को रेडी करने के लिए मैं आसान ट्रिक बताती हूँ। अपनी दो फिंगर्स में कैंची का लुक क्रिएट करेंगे, दो फिंगर्स के और दो आगे वाली फिंगर और दो पीछे वाली फिंगर बीच में गैप रखते हुए जिस तरीके से मैं पल्लू को बना रही हूँ उसी तरीके से आप उसको रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से पल्लू को बनाना ईजी हो जाता है और वो बहुत जल्दी बन जाता है। पल्लू की सारी प्लीट्स को एक साथ गैदर करने के बाद उसके बाद लास्ट में मैं इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी। पल्लू को यहाँ पर अभी हम शोल्डर पर सेफ्टी पिन से सिक्योर नहीं करेंगे, शोल्डर पर हम सेफ्टी पिन से बिल्कुल लास्ट में सिक्योर करेंगे जब हम अपना राइट लेग का प्लाजो को रेडी कर लेंगे। इस प्लाजो लुक को क्रिएट करने के लिए आप सिल्क की साड़ी या कड़क फैब्रिक की साड़ी या फिर नेट की साड़ी को बिल्कुल भी सिलेक्ट ना करें, उसमें ये लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आपका प्लाजो भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगा। मेरी सारी प्लीट्स अच्छे से गैदर हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी जिससे कि मेरा पल्लू एकदम स्टेबल रहेगा। उसके बाद हम अपना राइट लेग के प्लाजो को रेडी करेंगे। साड़ी से प्लाजो लुक क्रिएट करने में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जहाँ जहाँ पर आप सेफ्टी पिन लगाते हैं वहाँ से आपकी साड़ी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये मेरी जो सिल्की फैब्रिक की साड़ी है तो साड़ी में जगह जगह होल हो सकते हैं। अगर आप इसमें जहाँ पर भी मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, वैसे तो मैं इसमें ज़्यादा सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी मैंने जहाँ पर दो जगह सेफ्टी पिन का यूज़ किया है वहाँ पर अगर आप बार बार उठेंगे या बैठेंगे तो आपकी साड़ी बिल्कुल ख़राब हो सकती है। जैसे हमने अपना लेफ़्ट लेग का प्लाजो को रेडी किया था उसी तरीके से हम अपने राइट लेग को प्लाजो को रेडी करेंगे। ऊपर टक इन करने के बाद सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर राइट लेग में भी सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी जिससे कि मेरा ये भी प्लाजो लुक रेडी हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो इस लुक को आप बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि बच्चे साड़ी को इधर उधर से खींचते हैं तो आपका जो सेफ्टी पिन है उससे आपकी साड़ी ख़राब। यहाँ पर भी आप सेफ्टी पिन को अंदर से लगाइएगा जिससे कि आपका सेफ्टी पिन दिखे नहीं।
तो देखिए, अब हमारे दोनों लेग का प्लाजो लुक क्रिएट हो चुका है और बिल्कुल देखने में बिल्कुल प्लाजो की जैसे लग रहा है। अब मैंने अपने टॉप को बिल्कुल बाहर निकाल लिया जो मैंने टक इन किया हुआ था। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पीछे वाला लुक है, अगर आपको बिल्कुल अच्छा परफेक्ट नहीं आ रहा है, अगर आप उसे नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप पल्लू को इस तरीके से भी टक कर सकते हैं, तो आपका जो बैक वाला पोर्शन है वो नहीं दिखेगा। इस साड़ी लुक को डेफिनेटली ट्राई किया जा सकता है, बट जैसे कि अगर आप टीनेजर हैं, आपकी फेयरवेल पार्टी है, एक दो घंटे के लिए आप इस लुक को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपको कोई साड़ी की कंपटीशन में जाना है जहाँ पर आपको साड़ी से दूसरी तरह का लुक क्रिएट करना है, या किसी मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर जो मेरा लेफ़्ट लेग वाला प्लाजो है वो थोड़ा लंबा है और जो राइट लेग वाला प्लाजो है वो थोड़ा सा ऊंचा है। यहाँ पर वीडियो को शूट कर रही थी इसलिए मैंने बाद में नोटिस किया, जब तक मैं पूरा वीडियो बना चुकी थी, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर की ज्वेलरी का यूज़ किया है, सिल्वर कलर के इयररिंग्स, सिल्वर कलर की बैंगल्स एंड सिल्वर कलर की वॉच और सिल्वर कलर का नेक पीस को चूज़ किया है। इसमें मैं आपको पल्लू का एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ। इसमें आप पल्लू को आप अपने लेफ्ट शोल्डर से लाकर राइट शोल्डर पर ले आएंगे और उसको वहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें एक वेस्ट चेन वापस से ऐड करूँगी और इस तरीके से भी आप इस लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ आपको आपको साड़ी को पूरा दिन के लिए कैरी करना है, बार बार उठना है, बैठना है, तो इसके लिए मैं आपको इस लुक को क्रिएट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आप इस लुक को बिल्कुल ट्राई ना करें, रफ़ एंड टफ़ तरीके से आप इस लुक को बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते हैं। एक या दो घंटे के लिए अगर आप इस साड़ी को कैरी करना चाहते हैं तो आप इस लुक को ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ सोफ़े पर बैठना है या चेयर पर बैठना है, बार बार आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, तो आप इस लुक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको प्लाजो लुक क्रिएट करना ही है तो आप अपना नॉर्मल प्लाजो लें और एक दुपट्टा लें, उससे आप उस लुक को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको इस पे अब इस वीडियो में दिखा रही हूँ। मेरा एक ये ब्लैक कलर का प्लाजो है, इस पे मैंने ये ब्लैक कलर का ब्लाउज़ लिया है और ये मेरा एक दुपट्टा है। इन दोनों के साथ भी हम इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसके आगे भी मैं आपको ग्रे कलर के प्लाजो और ग्रे कलर के दुपट्टे के साथ एक प्लाजो लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।